दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 15,000 के प्राइस में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा स्मार्टफोन बताने वाला हूं, जिसमें आपको अच्छा कैमरा मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। 15,000 के प्राइस में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट है वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों नंबर 3 पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम देखने को मिल जाएगा और 64GB का रोम। दोस्तों इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 48MP प्लस 2MP प्लस 2MP, 16MP का आपको इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5000mAh का आपको इसमें बैटरी देखने को मिलेगा, MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर, जिसमें आप गेमिंग वगैरह करेंगे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रोसेसर का स्मार्टफोन मैंने भी खरीदा है। दोस्तों इसमें आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका टाइम बहुत बचाएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है, प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी Note 10S। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6GB का रैम देखने को मिल जाता है, 128GB का रोम, 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। पीछे के साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, मेन सेंसर 64MP का है, 13MP का आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है, 33W का फास्ट चार्जर। इसमें भी आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन पे हैवी लोड देंगे या फिर गेम वगैरह खेलेंगे तो आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, डिज़ाइन वगैरह इसका भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे आता है मोटोरोला की तरफ से Moto G40 Fusion। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6GB का रैम देखने को मिल जाता है, 128GB का रोम, 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसमें आप गेमिंग वगैरह करेंगे या फिर वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें आपको पीछे के साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64MP का मेन सेंसर है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ सेंसर, 16MP सेल्फी कैमरा, 6000mAh का आपको इसमें बैटरी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत पावरफुल चिपसेट है। और दोस्तों इसमें आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। रियलमी नार्जो 30 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और रेडमी नोट 10S में आपको 60 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, तो फ़र्क आप देख सकते हैं। दोस्तों मोटो जी 40 फ्यूजन में आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, प्राइस इसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन में आपको जो स्मार्टफोन अच्छा लगता है वो आप बाय कर सकते हैं।